अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको ट्यूटोरियल गीक चैनल में खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए एक नए सैटेलाइट की जबरदस्त अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों एक ऐसी सैटेलाइट जिस पर इस वक्त काफी सारे जो पेड चैनल है सक्रामिंग चैनल है वो टेम्पररी FTA चल रहे हैं। ये कौन सी सैटेलाइट है, कौन कौन से चैनल है, कौन सी फ्रिक्वेंसी है और कितने फीट डिश एंटीना पर आप इस सैटेलाइट को सेट कर सकते हैं तो मुकम्मल डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सैटेलाइट डिश एंटीना से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स चलते हैं और आपको इस सैटेलाइट के बारे में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस सैटेलाइट का बता दूं, ये सैटेलाइट है ABS-2 75°E। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर दो सैटेलाइट्स चलती हैं, ABS-2 पर एक इंडियन चलती है जो कि KU बैंड की है और दूसरी ये सी बैंड की सैटेलाइट है जिसकी अपडेट आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पुरानी TP काफी टाइम से चल रही है जिस पर काफी सारे इंटरनेशनल और इंडियन चैनल चल रहे थे, तो रात की हमें अपडेट मिली है कि इस TP पर काफी सारे इंटरनेशनल चैनल, स्पेशल अगर बात करें बीन नेटवर्क की, बीन के कुछ चैनल, एम नेटवर्क के कुछ चैनल और इंडिया के कुछ B4U मूवीज वगैरह के जो चैनल हैं वो इस वक्त टेम्पररी FTA चल रहे हैं। दोस्तों ये सैटेलाइट है ABS-2 और ये सी बैंड की सैटेलाइट है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है जिस TP पर ये चैनल चल रहे हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ, ये TP आप देख लें। इस TP को लगाकर आप इन चैनल्स को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आप इस सैटेलाइट को कितने फीट डिश एंटीना पर सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सैटेलाइट है इसका बीम बहुत ही ज्यादा वीक है तो आपने मिनिमम 8 फीट डिश एंटीना पर इस सैटेलाइट को ट्राई करना है। मेरे पास 8 फीट डिश एंटीना नहीं पड़ा, नहीं तो मैं इस सैटेलाइट को सेट करके ट्राई करके आपको दिखाता। तो ये जो सैटेलाइट है कम से कम 8 फीट डिश एंटीना पर आपने इसको सेट करना है। 8 से अगर कम पे आप ट्राई करेंगे तो आपको ये सैटेलाइट इसके सिग्नल नहीं मिलेंगे। इसकी जो TP मैंने आपको बताई, आप इस TP को लगाकर अगर आपके पास 8 फीट डिश एंटीना मौजूद है, ये सी बैंड की सैटेलाइट है, इसको आप ट्रैक कर लें ABS-2 75°। बहुत ही आसान सैटेलाइट है। दोस्तों इस पर काफी सारे चैनल हैं, फ्रिक्वेंसी आपको वीडियो में दिखा दिए। इस फ्रिक्वेंसी पर बी नेटवर्क के चैनल है, एम नेटवर्क है, इसके अलावा काफी सारे इंटरनेशनल चैनल और इंडियन चैनल इस वक्त टेम्पररी फ्री टू एयर चल रहे हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो TP है, ये जो चैनल है, ये फ्री नहीं है, ये पेड है, ये स्क्रैम्बल चैनल है। शायद किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से फिलहाल ये फ्री चल रहे हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक ये चैनल टेम्पररी FTA है। हो सकता है मेरी वीडियो आपको कल मिले, परसों मिले या दो दिन बाद मिले तो तब तक हो सकता है ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैनल हो सकता है कि पेड हो जाए। इस वक्त ये चैनल टेम्पररी फ्री टू एयर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई। यदि मुझे दीजिए इजाजत, अपने हाथ रखेगा, खुदा हाफिज़।